लोकसभा चुनाव से पहले कई दिक्कतों का सामना कर रही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राजिम विधानसभा में करीब 1600 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल राजिम में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत मंत्री टंकराम वर्मा और अन्य बीजेपी के विधायक भी नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के 1557 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं कार्यक्रम के दौरान किरण सिंह देव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला और कहा कि महादेव सटैप से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम पहले ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सामने आ चुका था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1597 ऐसे इस पूरे राज्य विधानसभा से और कांग्रेस व अन्य दलों से भी और कुछ लोग जो राजनीति में नहीं भी थे और कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ बड़े पदाधिकारी भी हैं, उन सभी ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, विष्णु देव साय जी के ऊपर विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, सरकार की सुशासन की व्यवस्था पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी में और स्वेच्छा से प्रवेश लिया है। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोनों बात का अलग अलग उत्तर देता हूं। महादेव से बीजेपी का क्या लेना देना है भाई? एक जांच एजेंसी है, एक कानूनी व्यवस्था के तहत है, वहां पे जांच कोई बीजेपी की सरकार में थोड़ी चालू हुआ है, वो तो आपकी सरकार में चालू हुआ था। वहां पे संचालकों की रिपोर्ट पर उनका नाम आया, आपने कुछ नहीं किया है, आप निर्दोष हैं तो जांच का सामना कीजिए। दुख का दुख, पानी का पानी हो जाएगा। भारी बहुमत का जीत का अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनको दुर्ग छोड़ के वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? दुर्ग से क्यों नहीं लड़ लिया उन्होंने? देखिए क्या है कि दावा करना अलग बात है, पिछले बार विधानसभा चुनाव में 70-72-75 सीट का दावा हुआ था, क्या हुआ? इसलिए दावे करने में क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर इतना दावा रहता और इतना डर और भय का वातावरण की जो बात कर रहे हैं तो उनको दुर्ग लोकसभा से लड़ना चाहिए। तो सुना आपने कैसे सिंहदेव ने एक बार फिर भूपेश बघेल को दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती दिख रही है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।